हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हमको बच्चों को सिखाने के लिए हमने कुछ चार्ट बनाए हैं, तो मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ। मैम पढ़ा रही हैं, क्योंकि हमें स्कूल में आके ही पढ़ाना पड़ता है। तो देखिए मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। हमने मैथ्स का, हिंदी का और एक हमने गायत्री मंत्र का चार्ट बनाया है, ताकि हम जब स्टैटिक करते हैं ऑनलाइन तो हम बच्चों को प्रेयर करवाते हैं। तो पूरी प्रेयर तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को गायत्री मंत्र बुलवा लेते हैं और सामने चार्ट को लगा देते हैं, ताकि बच्चों को अगर लर्न नहीं है तो बच्चों को लर्न हो जाए। तो हमने जीके, मैथ्स और हिंदी का चार्ट बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आप चार्ट बना के बच्चों को कितने ईजी तरीके से समझा सकते हैं और बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा। तो देखिए आप, ये मैथ्स का चार्ट है, शेप्स हैं, रेक्टेंगल, सिलेंडर, क्यूब, कॉन, सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। आप इसमें कलरिंग कर सकते हैं और बच्चों को शेप्स समझा सकते हैं। इसके बाद हमने डेज ऑफ द वीक का चार्ट बनाया है, दिख रहा होगा आपको, इस तरह से बच्चों को आप लर्न करा सकते हैं। ये हमने गायत्री मंत्र का भी चार्ट बनाया है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मात्रा रूप में स्वर को आप कैसे लिख सकते हैं। आप मैंने अ से लेकर पूरा अह तक लिख दिया है और साथ में उनकी मात्राएं भी लिख दी है। अ में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए क्रॉस लगा दिया है। बाकी आ की मात्रा है ई, बड़ा ई, छोटा उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, बड़ा ए, ओ, औ, अं और अह, इनकी मात्राएं साथ लगा दी है, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। बच्चों को हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्वर में हमने साथ में मात्राएं लगा दी हैं, तो बच्चों को इजी रहता है, उनको ये समझ में आ जाता है किसकी ये मात्रा होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आपके साथ और वीडियो भी शेयर करूंगी। तो देखिए मैम मैथ्स पढ़ा रही है, हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।